सुल्तान बाईबर्स ने हमारे लश्कर के साथ जंग लड़ना कबूल कर लिया है। बरके खान ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे खान को एक मसले के हवाले से तहफ्फुज़ात दरपेश हैं। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आपकी रियासत ने कैदियों और दीगर तुर्क कबाइल के लोगों के साथ हलाकू खान की तरह बेहिमाना रवैया इख्तियार किया। हमारे खान ये यकीन दहानी चाहते हैं कि तमाम तुर्क कबाइल मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। बरके खान को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमारे दीन पर हमला करने वालों के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारा बस एक ही नजरिया है, जालिमों से निजात हासिल की जाए और मजलूमों की मदद की जाए। इसके लिए अनातोलिया के तमाम बहादुर तुर्क कबाइल को हम मुत्तहिद करेंगे, साथ ही हमसे वफादार तमाम अरकान रियासत से भी अलग अलग रहा। इसमें सालों लग सकते हैं अर्तुल सरदार। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं। मजीद ये कि आजादी की खातिर उनके खून से तहरीर करदा उन बहादुर सरदारान के नाम भी उसमें महफूज हैं। सुना था कि हलाकू खान उस संदूक को हासिल करना चाहता है। हम तो समझे थे वो ले गया होगा, यानी वो संदूक आपके पास मौजूद है। उन लोगों से पहले मैं बाकायदा मुलाकात करूंगा। और फिर उन मुलाकातों के बाद ही महाज पर जाने और हर कुर्बानी के लिए तैयार जंगजुओं का तायुन किया जा सकेगा। बरके खान की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है। मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने कसीर तादाद में सोने और तलवारों का इंतजाम कर लिया है। जल्द से जल्द यह सारा सामान अनातोलिया में खुफिया तौर पर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। शेरों।
और एक बुका। मार्गेन, कौन है यह रगबुका? हलाको खान का अनातोलिया की हदूद में खास दस्ते रास्त है। ये उसका सबसे बड़ा जासूस है। जरूर यह हमारा यहां तक पहुंचा अर्थुल सरदार। इसमें कोई शुभ नहीं कि हर बात इसके इल्म में हो। तुरुमताई, अब तुम और अर्थुरल मेरी बात गौर से सुनो। या अपने हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्थुरल सरदार, बरके खान आपको जंग के लिए सामान कब और कहां भेजेंगे? मेरे पास जो मकतूब है उसमें सब दर्ज है। हम तुम्हारा हुक्म मानने के पाबंद नहीं है। अर्तुरुल और तुरंत ही मुझे जिंदा चाहिए, बाकी सबको मार डालो।